नमस्कार, अपन इसमें स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन। न्यायिक छानबीन के मांग करे संजय शाह परिवार जन द्वारा रिले अनशन शुरू। शाह के स्वास्थ्य अवस्था से बिगड़ रहा। एडीबी के नाला आ सड़क निर्माण के काज के औपचारिक उद्घाटन। जनकपुरक विकास के लिए अख्तियार बाधक नहीं बनत, अख्तियार के सदस्य पाठक के कहा। उगे सूर्य के अर्घ देव जनकपुर सहित मध्य तथा पूर्वी मध्य के जिला समेत छठ पावन सम्पन्न। प्रधानमंत्री वार्ता आह्वान मधेसी मोर्चा द्वारा अस्वीकार। 6 गते से आंदोलन होबाक संकेत। आ एक मधेस एक प्रदेश देश विखंडन के डिजाइन रहल फोरम लोकतांत्रिक अध्यक्ष गच्छेदारक कहब। म्यांमार में आयल भूकंप के झटका काठमांडू सहित नेपाल के अधिकांश भाग में महसूस भेलै छ। भूकंप मापन केन्द्रक प्रमुख लोक विजय अधिकारी के अनुसार नेपाली समय अनुसार बुध के साँझ 7:40 में 7 रेक्टर स्केल के भूकंप आयलै छ। ढाका काठमांडू में सेहो किछु देर महसूस भेल छल। संसार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याकांडक प्रमुख योजनाकार बनाओल गेल निलंबित सांसद संजय शाह की कनिया सहित 4 गोटे पारिवारिक सदस्य सब बुध दिन से रिले अनशन में बैसल। निलंबित सांसद साहब के परिवार के 5 गोटे सदस्य सब 4 मुद्दे मांग राख कर रिले अनशन शुरू कने। अरुण सिंघानिया हत्याकांड में उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन करके निर्दोष के रिहा करके दोषी के कार्रवाई करके तथा झूठा मुद्दा खारिज कर मांग सहित निलंबित सांसद शाह की कनिया रंगीला देवी शाह जनकपुरक जनक चौक में रिले अनशन में बैसल। कनिया रंगीला देवी शाह संगे शाह के माय 65 वर्षक दुलारी देवी शाह, बहिन मुन्नी देवी शाह, बब्बी देवी शाह आ दीदी जयंती देवी शाह अनशन में बैसल। हम सुन अपन सच्चाई के अथी लड़ रहा छे, सच्चाई लड़ रहा छे। अब सच्चाई के लागे अब जते दिन लड़े पड़े रिले अनशन से हमरा चित्त नहीं खुजल। हम हमरा अनशन करे लागे। बीतल क्षेत्र 26 गते जिला प्रहरी कार्यालय धनसा निलंबित सांसद शाह के प्रमुख योजनाकार के रूप में प्रस्तुत करते सिंघानिया हत्याकांड के अभियोग पत्र अदालत में बुझाने छल। ओय के बाद शाह सेहो जिला प्रहरी कार्यालय धनसा के थुना में अनशन में बैसल। शाह जिला अदालत धनसा में पिछला 4 दिन से बयान के लिए उपस्थित होत आयल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगक सदस्य राजनारायण पाठक जनकपुर के विकासक लेल अख्तियार बाधक नहीं बनत, बरु अपने सहयोगी के भूमिका निर्वाह करब प्रतिबद्धता व्यक्त कने छथि। ओ वर्ष 2016 भीतर जनकपुर जयनगर रेल सेवा सुचारू होब जका निर्माण काज के द्रुत गति में आगू बढ़ाब संबंधित पक्ष संग संपर्क में रहकर छलफल कर रहा बतौलन। वर्ष 2018 भीतर सेवा के बर्दीवास धरि पहुंचाब के निर्माण कंपनी संबंधित मंत्री आ सरकार वाला के दबाव दैत आयल सेहो बतौलन। पाठक पदीय मर्यादा भीतर नहीं रहतो अपने जनकपुर सहित तराई मधेश क्षेत्र के विकासक लेल अपन स्थान से संघर्ष कर रहा दावी कल। धनसा महतरी सरलाही सहित जिला के 10 वर्ष धर लोड शेडिंग मुक्त कर नहीं सकब त विद्युत प्राधिकरण देने जवाब मुक्त कैल जा नहीं सकय। विद्युत प्राधिकरण देने जवाब सुन के विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक उपाय सुगर मिल से विद्युत उत्पादन के योजना में गृह कार्य कर संबंधित निकाय के सुझाव देने बतौलन। करीब 15 मिनट धरि के भाषण के क्रम में अख्तियारक आयुक्त पाठक 2017 दिसंबर महीना भीतर जनकपुर में गुणस्तरीय ढल तथा सड़क निर्माण काज संपन्न कर निर्माण कंपनी के निर्देशन देने छथि। निर्माण काज में अवरोध आबवला तत्व के निरुत्साहित कर राजनीतिक दल सब संगे स्थानीय प्रशासन समक्ष बड़का चुनौती रहल। ओ बतौलन जनकपुरक रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस के पुस्तकालय के सामने आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में जनकपुर उप महानगरपालिकाक प्रमुख पुण्य प्रसाद लुटेल, एकीकृत शहरी विकास परियोजना के प्रमुख गंगा प्रसाद यादव या योजना के विषय में जानकारी कराने छे। उगैत सूर्य के अर्घ दैत जनकपुर सहित मध्य तथा पूर्वी मध्य के जिला सब में बुध दिन छठ पावन सम्पन्न भेल। जनकपुर गंगा सागर धनुषा सागर अर्घजा पोखर सहित फाटफुट रूप में ग्रामीण क्षेत्र सब में सेहो बुध दिन उगैत सूर्य के अर्घ दैत छठ पावन सम्पन्न भेल। परापूर्व काल से मनबैत आयल छठ पावन ठंडी मौसम में शुरुआत संगे कार्तिक में आ ग्रीष्म शुरू होत काल चैत में क वर्ष में 2 बेर मनाओल जात। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि आ चर्म रोग सब से मुक्ति के पाव के आस्था आ विश्वास से छठ पावन मनबैत आयल। छठ पावन संबंध में पुराण तथा धार्मिक ग्रंथ सब में विशेष वर्णन करते तो छठ पावन के घरेलू उत्पादित सामग्री के प्रयोग तथा वैज्ञानिक कारण सब संग सेहो जोड़ल गेल। पिछला किछ वर्ष एम्हर चैत में मनाओल जाय वाला चैती छठ में सेहो विशेष रौनक आकर्षक आ श्रद्धालु सब के संख्या में वृद्धि भ रहल।
चैती दशैं के सातौं दिन जनकपुर में बेलतोरी कार्यक्रम कैल गेल। जनकपुरक रामानंद चौक में दुर्गा भगवती की प्रतिमा बनाकर नर्सिंग युवा क्लब चैती दशैं प्रत्येक वर्ष मनबैत आयल। दशैं के सातौं दिन बेलतोरी कार्यक्रम कैल गेल। बेलतोरी के संगे मैथिल परम्परा में होब वाला खोंच भराई कार्यक्रम सेहो शुरू भेल। खोंच भराई बृहस्पति दिन धरि चलत। बृहस्पति के अष्टमी के दिन निशा पूजा होयत। दशमी के अवसर में रामानंद चौक नजदीक के निर्माण कैल गेल प्रतिमा स्थल आसपासक क्षेत्र सिंगारल गेल। एशियाई विकास बैंक के 1,90,00,000,00 के ऋण सहयोग में जनकपुर में संचालित एकीकृत शहरी विकास परियोजना जनकपुर में विधिवत रूप में शुरू भेल। जनकपुर उप महानगर पालिका आ एकीकृत शहरी विकास परियोजना के संयुक्त आयोजना में एक कार्यक्रम के बीच परियोजना के निर्माण काज के शुरुआत कैल गेल। 4 वर्ष पहले 2012 में समझौता हुई तो लैंडफिल साइट के लक विवादित बनल शहरी विकास परियोजना के काज लैंडफिल साइट के बाकी रखते 4 वर्ष के बाद औपचारिक रूप में शुरुआत भेल। एक रिपोर्ट। जनकपुर नगर क्षेत्र भीतर के सड़क तथा ढल निकास फोहर व्यवस्थापन आ जनचेतना अभिवृद्धि के पैकेज स्वरूप एकीकृत शहरी विकास परियोजना के निर्माण काज बुध दिन से शुरू भेल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सदस्य राज नारायण पाठक ढल निर्माण काज के एक विशेष कार्यक्रम के बीच शिलान्यास कलने 1,90,00,000,00 के लागत रहल परियोजना अंतर्गत जनकपुर नगर क्षेत्र भीतर 32 किलोमीटर ढल निर्माण, 10 किलोमीटर सड़क निर्माण, 10 बीघा क्षेत्रफल में फोहर आ गंदगी व्यवस्थापन के लिए लैंडफिल साइट के निर्माण सहित जनचेतना अभिवृद्धि कैल जायत। 7 फुटपाथ रहते, तेकर बाद बीच में रोड रहते, जमीन के नीचा अहां के पाइप ड्रेन से नाला पानी रहते, दोनों साइड में मैन होल चैम्बर रहते, वैसे हाउस होल्ड कनेक्शन घर के पानी सब वैसे कनेक्शन एक आउटफॉल परियोजना में जानकी मंदिर के केंद्र मान कर चारू कात 10 किलोमीटर लंबा सड़क संगे सड़क पेटी में दोनों कात पैदल यात्रु सब चले वाला बाट निर्माण कैल जाय। जनचेतना अभिवृद्धि संबंधी कार्यक्रम सब ऐसे आगुए संचालन में आबि गेल। लैंडफिल साइट के लिए आवश्यक जगह अधिग्रहण के काज एखनो समझौते के चरण में रहल। चारू योजना एक ही पैकेज में रहला से लैंडफिल साइट के लिए आवश्यक जगह निश्चित समय भित्र नगरपालिका उपलब्ध कराब प्रवाक व्यवस्था है। जनकपुर विमानस्थल से रेलवे धेर आ परिक्रमा सड़क में 16 मीटर चौड़ा तथा जानकी मंदिर से रामानंद चौक धेर के 1 किलोमीटर सड़क 13 मीटर चौड़ा भेल निर्माण कैल जाय। हमरो यो प्रोजेक्ट चाहिँ जम्मा 87,44,74,901 रुपया टोटल बजेट छ यसमा र 13% भ्याट थपेर यसको प्रोजेक्ट कस्ट 98,81,56,638 रुपया 13 पैसा हुन जान्छ र यसको 80% चाहिँ ग्रान्ट छ सरकारबाट प्राप्त हुने एसियाली विकास बैंक मार्फत। त्यसपछि 15% चाहिँ नगर विकास कोष लोन छ र 5% नगरपालिका। ढल निर्माण काज शुरुआत कैल गेल। परियोजना में जनकपुर के पूर्व दिश रहल जलायत नदी में 4 आउटलेट निकालल जायत। तहिना दक्षिण दिश बसहिया भक बहि रहल दुधमती नदी में पश्चिम दिश के ढल के निकास निकालल जायत उप महानगरपालिका के योजना है। सड़क आ ढल निर्माण के लिए सड़क कात सब के किछ भवन सब ढहल गेल रहितो एखनो बहुते भवन सब ढाह के बाकी है। ढल के उचित व्यवस्थापन होब नहीं सकला से फोहर आ गंदगी से मच्छर के प्रकोप से चर्चित जनकपुर में वर्ष 2017 के दिसंबर में परियोजना हस्तांतरण होत काल सुंदर सफा आ नमूना जनकपुर बनत से विश्वास कैल जा सकय। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। मधेसी मोर्चा वार्ता के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आह्वान अस्वीकार कलक। आब आंदोलन घोषणा कर के मोर्चा के तैयारी है। मधेसी मोर्चा अपन मांग संबोधन कर सरकार के चैत में शांत धर के अल्टीमेटम देने छल। अल्टीमेटम के अगला दिन मंगल दिन सांझ प्रधानमंत्री ओली देशवासी के संबोधन करते मधेसी मोर्चा के वार्ता में अब आह्वान कल। मुदा मधेसी मोर्चा के शीर्ष नेता सब प्रधानमंत्री के आह्वान के कोनो औचित्य नहीं बतौने। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कहलन प्रधानमंत्री के बोली के ठेकाने नहीं होते आह्वान के की अर्थ है। अपना सब संग 35 बेर से बेसी वार्ता हुई तो कोनो सहमति नहीं भेला से आब आंदोलन घोषणा होयत ओ बतौलत। सद्भावना पार्टी के महासचिव मनीष सुमन के अनुसार मधेसी मोर्चा सहित के संघीय गठबंधन के बैसार बृहस्पति दिन बसाओल गेल। बैसार आंदोलन के कार्यक्रम सब बनाओत आ बैसाख 6 गते हो वाला अंतरक्रिया मार्फत घोषणा होयत। ओ कहलन प्रधानमंत्री के संबोधन में कोनो नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री के मधेस आंदोलन की है से अखन धरि पता नहीं है।
जनता के समस्या जनता के समय के मात्रे नाश भेलै छ। नेता सभक अनुसार मधेसी मोर्चा बैसाख भर दबावमूलक का आंदोलन के कार्यक्रम सब कर के तैयारी केने अछि। जेठ सँ सिंहदरबार घेराव सहित के काठमांडू केन्द्रित आंदोलन सभा मधेसी मोर्चा के नेता एवं सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आपके आंदोलन में नाकाबंदी के कार्यक्रम नैहत बताने छथि। विगत के नाकाबंदी के आंदोलन से कोनो परिणाम नहीं आयल आ सरकार से बेसी जनता के दुख भेटल कहित ओ बैसाख छह गते से होबय वाला आंदोलन में नाकाबंदी कार्यक्रम नहीं कैल जात बतौलन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार में महतो कहलन आब हम सब नाकाबंदी या जनता के दुख देवे वाला काज नहीं करब। आंदोलन सिंहदरबार केंद्रित हैत। विगत में मधेश केंद्रित आंदोलन कैला के बाद अपना सबके गलत आक्षेप लागल कहे तो आप सिंहदरबार केंद्रित रह कर देशव्यापी रूप में सशक्त आंदोलन करब बतौलन। वो कहलन आपके आंदोलन जनता कम प्रभावित होबे वाला आ सरकार के अधिकतम दबाव पहुंचे वाला जेहन किस्म के रहत। मधेशी मोर्चा के नेता महतो आब होबे वाला आंदोलन से सरकार के घुटना टेका के छोड़ब दावी कैलथ। कहलन हम सब सिंहदरबार घेरब हमर सबक मांग संबोधन होब जका संविधान संशोधन नहीं होब देर आंदोलन जारी रहत। एक दिस आंदोलन के कोनो तुक नहीं रहा कहितो देशवासी के नाम में संबोधन के क्रम में प्रधानमंत्री केपी ओली आंदोलन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के वार्ता के लिए बसल एनाइ छ। जाहि से प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक मांग सब लक जाहि से प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक मांग सब ल भर हल आंदोलन संबंध में की करवा चाहिए अपने स्पष्ट नहीं छत। 35 बेर वार्ता से बातचीत नहीं मिलते ओली फिर से आह्वान के लेने जनकपुर सर्वसाधारण से पूछने चलो प्रधानमंत्री ओली के वार्ता के आह्वान संबंध में अहा के की कहबे अहा के बात जहिना के वार्ता में सब कुछ चलो ना मिलजुल के छोट बड़ भूत पहाड़ सब जात न दे नेताजी सरकारी नेता है आ जनता के मात्र धोखा देते तै दुआरे ऐ नेता पर अहाँ सब संपूर्ण रूप में भरोसा नहीं करू। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली यदि मधेश के मांग जायज मांग जे जे संविधान दिए के बात है तो दिए चाहे तो वार्ता में बोला के वार्ता करना कोनो खराब बात नहीं है। वार्ता नौटंकी के रूप में एक प्रचारबाजी नाराबाजी के हिसाब से वार्ता के आह्वान के नहीं वही बुझा रहा है। वो मधेसी के कुछ नहीं कह सके अपनी कर वो सबके ठीक करे ये तीनों सरकार मिल के अपना ये कर रहा है मधेसी को देख नहीं रहा है मधेसी के सीमांकन है फन्ना है ये सब मिला के अपना करे जल्दी से वार्ता। जब मधेसी मोर्चा के मांग संबंधी पूरा कर दिल्क अहाँके सुन रहा छी पाँच गते बारह गते सुन रहा छी आंदोलन कार्यक्रम खोल जा रहा छी अभी संगे सब बैठ के छलफल करता संशोधन करता आरो बढ़िया बात है। फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदार अपने मधेश आ मधेशी जनता विरुद्ध नहीं लागल बतौलन अछि मुदा ओ अपने एक मधेश एक प्रदेश के पक्ष में नहीं रहल प्रश्न सेहो कैलथ। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के शिलान्यास समारोह के संबोधन करैत फोरम लोकतांत्रिक अध्यक्ष गच्छेदार एक मधेश एक प्रदेश के मांग संबोधन कर नहीं मिलत प्रश्न कैने छथि। ओ नेपाल हिमाल पहाड़ आ तराई मिलकर बनल तथ्य बुझ आग्रह करैत नेपाल से तराई विखंडन हो भी नहीं सकत बतौलन। मधेश में आंदोलन कर रहा पार्टी सब अपना के पहाड़े संग पाछू लाइक मधेश के विरुद्ध में लागल आरोप लगे तो समग्र नेपाल के हित के लिए अपने अभियान में रहल वो स्पष्ट कलन। संबोधन के अंत में जय नेपाल के नारा लगौने वो कहलन हम जय मधेश से बेसी ऐठम हम ऐठम जय मधेश कहब तठम ककरो फरक नहीं पड़त मुदा जय नेपाल कहब सबके अपनत्व महसूस हैत। जय नेपाल कांग्रेस के मात्र नारा नहीं भक सब नेपाली के नारा रहल उनकर तर्क छलन। देश के दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पोखरा में निर्माण होब के पक्का भेल अछि। विमानस्थल के लेल प्रस्तावित जमीन में बुद्धिन भव्य समारोह के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिलान्यास कलेने अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में बजट प्रधानमंत्री ओली आब चीन के केरूंग से काठमांडू के पोखरा होइत लुमिनी पहुंचे वाला रेल मार्ग के काज सेहो शुरू होयत बतौलन। ओ तराई के नेता हमीची कह वाला मसीहा सब कारी कपड़ा पकड़ा छोड़ कर राष्ट्रीय झंडा बोक कर विकास निर्माण के काज में आगू बढ़ा पड़त सेहो बतौलत। साथ में उपस्थित पूर्व प्रधानमंत्री सब पुष्प कमल दाल झलनाथ खनाल उप प्रधानमंत्री सब कमल थापा विजय कुमार गच्छेदार पर्यटन मंत्री आनंद प्रसाद पोखरेल आ कांग्रेस महामंत्री शशांक कोइराला सेहो निर्माण स्थल में एक एक टा ईटा रखने छलथ। नया वर्ष 2073 के पहिल दिन के अवसर में आयोजित शिलान्यास समारोह में उल्लेख्य संख्या में नगरवासी सबके सेहो सहभागिता छल। पश्चिम में अमर सिंह चौक आ पूर्व में चौथे चौक से
स्वागत द्वार बनाओल गेल कार्यक्रम देख जायवला सब जातीय पहिरन झांकी आ बाजा गजा के संग पहुंचल छल। माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल 2073 नया वर्ष विकास निर्माण के अभियान से शुरू भेल बतौलन। भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण विकास निर्माण आ समग्र में संविधान के कार्यान्वयन होबय पड़त सेहो बतौलत। एमाले नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल प्रस्तावित 4 नंबर प्रदेश नया युग में प्रवेश केने बतौलन। फोरम लोकतांत्रिक के नेता एवं उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छेदार एक मदेश एक प्रदेश होबी नहीं सकत जिक्र कलन। सब राजनीतिक शक्ति सब एक ठाम में आबिक देश के विकास में लागू पड़त हर जोर छलन। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष एवं उप प्रधानमंत्री कमल थापा 40 वर्ष के बाद पोखरेली के सपना साकार भेल कहत बधाई दिलन। कांग्रेस महामंत्री शशांक कोइराला बड़का आय योजना में राजनीतिकरण कर नहीं चाहिए बतौलन। कांग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्ष भक विकास निर्माण के सरकार के सहयोग करत हर कहब छलन। अंत में हेडलाइंस फिर से। न्यायिक छानबीन के मांग करे संजय शाहक परिवारजन द्वारा रिले अनशन शुरू। शाह के स्वास्थ्य अवस्था सेहो बिगड़ रहल। एडीबी के नाला सड़क निर्माण के काज के औपचारिक उद्घाटन। जनकपुरक विकास के लिए अख्तियार बाधक नहीं बनत अख्तियार के सदस्य पाठक के कहब। उगे सूर्य के अर्घ्य जनकपुर सहित मध्य तथा पूर्वी प्रदेशक जिला सब में छठ पावनि सम्पन्न। प्रधानमंत्रीक वार्ता आह्वान मधेसी मोर्चा द्वारा अस्वीकार। 6 गते से आंदोलन होबय के पक्का। आ एक मधेश एक प्रदेश देश विखंडन के डिजाइन रहा फोरम लोकतांत्रिक अध्यक्ष गच्छेदारक कहब। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।